ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश के मंडी जिला के सरकाघाट में बुजुर्ग महिला को डायन बताकर पिटाई करने के मामले में प्रदेश महिला आयोग की चेयरमैन डेजी ठाकुर ने मंगलवार को हमीरपुर पहुंचकर पीड़ित बुजुर्ग महिला और उसके परिजनों के साथ अकेले में मुलाकात की। हमीरपुर पुलिस के पहरे में पीड़ित महिला राजदेही को सर्किट हाउस लाया गया, जहां पर प्रदेश महिला आयोग चेयरमैन डेजी ठाकुर ने बातचीत कर न्याय दिलवाने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर एडीसी हमीरपुर रतन गौतम, एसपी अरजीत सेन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश के मंडी जिला के स्वारघाट में बुजुर्ग महिला को डायन बताकर पिटाई करने के मामले में प्रदेश महिला आयोग चेयरमैन डेजी ठाकुर ने हमीरपुर पहुंचकर पीड़ित बुजुर्ग महिला और उसके परिजनों से अकेले में मुलाकात की है। हमीरपुर पुलिस के पहरे में पीड़ित महिला राजदेही को सर्किट हाउस लाया गया, जहां पर प्रदेश महिला आयोग चेयरमैन डेजी ठाकुर ने बातचीत कर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर एडीसी हमीरपुर रतन गौतम, एसपी अरजीत सेन भी मौजूद रहे। प्रदेश महिला आयोग चेयरमैन डेजी ठाकुर ने कहा कि सरकाघाट की बुजुर्ग हमीरपुर में अपनी बेटी के पास रह रही थी और महिला से मिलकर सारी जानकारी जुटाई है। उन्होंने बताया कि इस मामले को सीएम भी पर्सनली देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि महिला को आश्वासन दिया गया कि न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि महिला को पुलिस सुरक्षा के साथ मंडी जिला के लिए रवाना किया गया है। पीड़िता सरकाघाट की यहाँ पर हमीरपुर में रह रही थी, उनसे आज हम मिलने के लिए यहाँ पर आए थे और आज पुलिस प्रोटेक्शन में उनको सरकाघाट भेजा गया है, जहाँ पर उनका मेडिकल भी होगा और वो अपने आइडेंटिफिकेशन परेड भी होगी उनके सामने। यहाँ हमने उनसे बातचीत की और पूरा उसका ब्यौरा लिया कि क्या उनके साथ घटनाक्रम हुआ, उसकी सारी हमने डिटेल ली है और हम माननीय मुख्यमंत्री भी इसको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं इस केस को, और यहाँ पर पूरा प्रशासन मौजूद है, एडीसी साहब, एसडीएम, एसपी साहब सब यहाँ पे मौजूद हैं। सब ने उनसे बातचीत की और उनको आश्वासन दिया कि उन्हें न्याय दिलवाया जाएगा। कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ मुझे भी इस बात का, जब पता चला तो हमने इमीडिएटली उनसे बात करके उनको एसपी साहब को इन्फॉर्म किया। एसपी साहब ने तुरंत ही अपनी टीम को भेजकर उन लोगों को बुलाया और फिर उनके लिए हम व्हीकल अरेंज की और उनको पुलिस प्रोटेक्शन में भेजा है, जिसमें आईओ भी साथ में है और एसएचओ भी साथ गई हैं। वो मंडी के जहाँ तक यहाँ इनका एरिया है वहाँ तक जाएंगी और मंडी से एसपी मंडी ने उनके लिए अरेंज कर रखा है, उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन में वहाँ ले जाया जाएगा, इसकी पूर्ण व्यवस्था की गई है। कि महिला आयोग तो बना ही महिलाओं के न्याय दिलवाने के लिए है और महिलाओं के हितों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इस प्रकार का जब मामला आया तो हम संज्ञान में आया तो हम तुरंत ही पहुंचे और हमने ये इंश्योर किया है कि महिला को न्याय मिले। उत्पीड़न के मामले जब हमारे पास आते हैं तो हम उसको गंभीरता से लेकर उस पर एक्शन लेते हैं।